मुंबई साउथ से लेकर नॉर्थ तक 45 किलोमीटर की दूरी जिसको कवर करने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन दोस्तों अब यही दूरी बहुत ही जल्द 50 मिनट में पूरी हो सकेगी क्योंकि मुंबई कोस्टल लोड बहुत ही जल्द बनकर तैयार होने वाला है। इस कोस्टल लोड की लंबाई 22.2 किलोमीटर है। बात करूँ इसके रूट की तो ये रोड मरीन ड्राइव के पास प्रिंस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर एक टनल के सहारे मालाबार हिल के नीचे से गुजरते हुए प्रिय दर्शनी पार्क की ओर बढ़ता है, जहां अमरसंस गार्डन के पास इसके लिए एक इंटरचेंज बनाया जाना है। इसके आगे यह हाजी अली दरगाह पहुंचता है, जहां पर एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज बनाया जाना है। यहाँ से और आगे बढ़ते हुए ये वल्ली तक पहुंचता है, जहां आगे जाकर ये बांद्रा वल्ली सी लिंक से जुड़ जाता है। इसके बाद ये रोड इस सी लिंक को पार करते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद में वर्सोवा तक 10 किलोमीटर तक का एक नया सी लिंक बनाया जाएगा। जुहू बीच के सामने से गुजरता हुआ ये सी लिंक बनने के बाद देश का पहला, दूसरा और तीसरा सबसे लंबा सी ब्रिज एक ही शहर मुंबई में होगा। दोस्तों रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग पाथ, जॉगिंग ट्रैक्स, इसके अलावा एमपी थिएटर, पार्किंग, बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी आपको इस रोड पर देखने को मिल जाएगी। इस 8 लेन के रोड को फ्यूचर में मेट्रो या लाइट रेल के एक्सपेंशन के हिसाब से भी बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कभी मुंबई मेट्रो में सफर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ये जान लें कि मरीन ड्राइव से लेकर कांदीवली तक बन रहे कोस्टल लोड के पहले फेज का काम चल रहा है। इसके अंतर्गत बीएमसी मरीन ड्राइव से बांद्रा वल्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर तक 10.58 किलोमीटर लंबा कोस्टल रोड बना रही है, जिसके तहत प्रिय दर्शनी पार्क से गिरगांव चौपाटी तक 2.07 किलोमीटर की लंबाई वाली जुड़वा सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इनमें से पहली सुरंग इसी साल 10 जनवरी को बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद 30 मार्च को दूसरे फेज की खुदाई शुरू की गई। दूसरे फेज के तहत मावला मशीन द्वारा सुरंग की खुदाई चल रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को उम्मीद है कि दूसरी सुरंग की बोरिंग जनवरी 2023 तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा समुद्र में सुरक्षा दीवार तैयार की जा रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन करीब 80% कम्प्लीट है। वैसे अभी इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल 60% से ज़्यादा वर्क कम्प्लीट हो चुका है और बीएमसी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2023 तक पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा देश के सबसे लंबे सी ब्रिज यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम भी स्पीड से चल रहा है। ये समुद्र के ऊपर 21.8 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा पुल है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये एक 6 लेन रोड है, जिसे 3 फेज में कंप्लीट किया जा रहा है। दोस्तों इस ब्रिज का अभी 80% काम कंप्लीट है और इसे अक्टूबर 2023 तक खोलने का प्लान है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।